बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, बस सिर्फ इतना बताना चाहूँगा इंग्लिश की इम्पोर्टेंस के हवाले से, और सिर्फ अंग्रेज़ी ज़बान नहीं बल्कि किसी भी ज़बान को कैसे सीखा जाता है आसानी से। देखिए, अंग्रेज़ी ज़बान सीखना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखोगे तो तब आपके लिए ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं आपके मकसद के दरमियान जो के लिए आपके लिए ईजी बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंटरनेट से वो सीखना हुआ, गूगल से सीखना हुआ, इंटरनेट पे किसी आर्टिकल को पढ़ के उससे सीखना हुआ, कि किसी किताब को पढ़ के उससे सीखना हुआ, तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में जो कि आपके लिए आसान बन जाती है एक ज़बान सीखने से। तो अंग्रेज़ी ज़बान सीखना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप इंग्लिश सीखोगे तो आप अपने मुल्क का जो पैगाम है वो पूरी दुनिया में पहुँचा सकोगे, क्योंकि अंग्रेज़ी ज़बान पूरी दुनिया में बोली जाती है और समझी जाती है। और जब आप अंग्रेज़ी ज़बान सीखोगे तो आप इस काबिल हो सकोगे कि आप बाकी के जो लोग हैं इंटरनेशनली, उनके साथ कांटेक्ट कैसे करें और उनके साथ रابطہ कैसे करें और उनके साथ कॉम्पीट कैसे करें, इन चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और अब ये बताना चाहूँगा आपको कि कैसे एक ज़बान को आप आसानी से सीख सकते हो। देखिए, एक ज़बान के अंदर, सर ठीक बात है, एक ज़बान के अंदर चार मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग होती है, स्पीकिंग होती है, राइटिंग होती है, रीडिंग होती है। जितना ज़्यादा लिसनिंग आप करोगे सो इट इज़ ऑटोमेटिक कनेक्टेड विथ स्पीकिंग, जितना ज़्यादा सुनोगे उतना ज़्यादा बोलोगे, और जितना ज़्यादा रीड करोगे उतना ज़्यादा लिखोगे। तो कोशिश करो कि जब आप घर से यहाँ पर आते हो तो रस्ते में हेडफोन्स लगा के CNN या BBC लाइव या कोई ऐसी टॉक शो या कोई ऐसी डिबेट जो कि अंग्रेज़ी की हो, उसको लगा के हेडफोन्स में उसको सुना करो। उसमें क्या होगा, आप डिफरेंट वोकैबुलरी सीखोगे, आप डिफरेंट वोकैबुलरीज के एंटोनिम्स और उसके सिनोनिम्स और उस चीज़ के हवाले से कि वो किस सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है, किस फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है या किस जो है टेंस है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, उस चीज़ों को सीखने में आपकी मदद होगी। तो जितना ज़्यादा आप सुनोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रोनंसिएशन, आपका जो अंदाज़ है, वे ऑफ स्पीकिंग है और आपकी जो वोकैबुलरीज है वो बिल्ड होगी। जितना ज़्यादा रीड करोगे तो उतनी ही आपकी राइटिंग जो है इम्प्रूव होगी। तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा सुना करो, लिसनिंग ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, फिर रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, फिर उसको राइट भी किया करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे आप आए, टीचर ने आपको एक्टिविटी शीट में कोई चीज़ सिखा दी, घर जाओ, जो चीज़ आपसे सीखी है अपने अल्फाज में उसको लिखना शुरू करो। क्या मदद होगा, एक आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी, दूसरा वो चीज़ हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाती है। अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ आपने सीखा, कुछ नया आपने सीखा, तो आप दूसरों को भी सिखाया करो। खुद भी अंग्रेज़ी सीख रहे हो तो अपने साथ साथ दूसरों को भी सिखाया करो। जो मकसद आपका खुद है उसमें आपके साथ जो और लोग उस मकसद को फॉलो करें उसको भी साथ उठाया करो। तो जो चीज़ आप खुद सीख रहे हो वो दूसरों को भी सिखाओ। अंग्रेज़ी का एक नया लफ्ज़ आपने सीखा, डिवास्टेड सीखा या डिस्ट्रॉयड सीखा, कुछ ऐसा कोई कॉन्स्टेंटिनोपल नया लफ्ज़ सीखा, तो वो दूसरों को भी सिखाओ ताकि आपके साथ साथ बाकी के लोग भी इम्प्रूव होकर आगे बढ़ सकें, अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस को सही तरीके से वो लोग सॉल्व कर सकें। अंग्रेज़ी ज़बान इसलिए ना सीखो ताकि आप अपनी ज़बान से, अपनी प्रोनंसिएशन से और लोगों को इम्प्रेस करो, बल्कि इसलिए सीखो ताकि आप इलम को हासिल कर सको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं इंटरनेशनली वो अंग्रेज़ी में हैं। और देखें, इंग्लिश सीखना हम सब के लिए अभी इस वक्त के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ओवरऑल वो अंग्रेज़ी ज़बान में। हम स्कूल जाते हैं तो घर में पश्तो बोलते हैं, स्कूल में फिर उर्दू बोलते हैं, एग्ज़ाम्स फिर हम इंग्लिश में देते हैं, तो ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंग्लिश रिक्वायर्ड होती है जिसके लिए, तो उसके लिए अंग्रेज़ी ज़बान सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अपने लिसनिंग के ऊपर काम करो, अपनी स्पीकिंग के ऊपर काम करो और कोशिश करो कि इस ज़बान के साथ अपना इंटरेस्ट पैदा करो, क्योंकि आप तब तक एक चीज़ नहीं सीख पाओगे जब तक आपका उसमें पर्सनल इंटरेस्ट ना होगा। टीचर आएंगे, वो आपको पढ़ाएंगे, बल्कि वो एक इंस्ट्रक्टर है। अंग्रेज़ी ज़बान का टीचर एक टीचर नहीं कहलाता बल्कि एक इंस्ट्रक्टर कहलाता है, जो कि आपको इंस्ट्रक्ट करता है कि आपने एक चीज़ को कैसे सीखना होगा और उसको अपनी डेली ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करना होगा। सो ही इज़ एन इंस्ट्रक्टर, तो आपने उनकी इंस्ट्रक्शन सुन के उसको फॉलो करना होगा और उसमें फिर अपना इंटरेस्ट पैदा करना होगा। जब तक उसमें आप अपना इंटरेस्ट पैदा नहीं करोगे ना, जितनी भी कोशिश करो आप, जितनी भी मेहनत करो आप उस चीज़ को सीख नहीं पाओगे। जो लफ्ज़ आप सीखते हो कोशिश करो कि उसको बार बार रिवाइज़ किया करो, कोशिश करो उसको बार बार दोहराया करो, कोशिश करो कि आप यहाँ के लेक्चर देते हो तो उसमें भी उस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया करो। क्यों? क्योंकि जब आप उस एक लफ्ज़ को बार बार दोहराओगे, बार बार बोलोगे, बार बार बोलोगे, तो फिर आपके जो डिक्शनरी है उसमें वो वर्ड इंक्लूड हो जाता है और फिर आप उसको, आपको पता भी नहीं चलता, नेचुरली आप उन वर्ड्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो, आपका फिर कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, ज़हन ही नहीं होता आपको उन चीज़ों पर। और
कोशिश करो कि यहाँ पर जब प्रेजेंटेशन जो जनरल डिस्कशन डे होता है उसमें जो प्रेजेंटेशन आप देते हो ज़्यादा वोकैबुलरीज का इस्तेमाल उसमें करो, ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल उसमें करो, और फिर उन अल्फाज को समझाया भी करो लोगों को, जो चीज़ सीखते हो उसको समझाया भी करो ताकि सामने वाले की जो कॉन्सेप्ट्स होती हैं वो भी क्लियर हो जाए, ना कि वो एक कन्फ्यूजन में पड़ जाए। यहाँ पर जब स्पीकिंग डे आता है तो इसमें शर्माया मत करो, इसमें डरा मत करो, बल्कि डट के जब भी आप यहाँ पर आते हो ये डाइस के सामने, तो डाइस के सामने खड़े होकर लंबी सी सांस लो दो दफा, फिर डायरेक्टली शुरू करो, क्योंकि जब आप लंबी सी सांस लोगे तो आपके जिस्म में हर एक ऑर्गन, दिल तेज धड़कता है डरते हो, वो ऑर्गन नॉर्मल चला जाता है, जितनी भी ऑर्गन्स होते हैं, आपका दिमाग होता है वो आपको बार बार याद दिलाता है यार लेक्चर है, ये वाला हंसेगा, वो मेरे पीछे हंसेगा, लोग क्या सोचेंगे, ये चीजें सारी नॉर्मल हो जाती हैं। फिर यहाँ पे जब आप आते हो 5 से 10 सेकेंड का डर होता है, और जब आप उस 5 से 10 सेकंड के साथ आप लड़ते हो तो बाकी की जो पूरी जिंदगी है फिर आप उसमें कामयाब हो जाते हो। तो जब भी आप यहाँ पे आते हो तो कोशिश किया करो कि गलत होते हो उर्दू में कन्वर्ट किया करो, किसी चीज़ में गलत हो गए टीचर आपके साथ है उनसे पूछ लिया करो, ये यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं है, हम जब आप अंग्रेजी सीखोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कामयाब हो गए, अंग्रेजी ना भी सीखो तो भी आप जिंदगी में कामयाब हो सकते हो। तो यहाँ पर आप आते हो कोई गलत होते हो तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गलती सबसे होती है, मैंने भी गलत बोलकर मैंने भी अल्फाज को आगे पीछे करके पूरी अंग्रेजी जबान सीखी है। तो जब आप अल्फाज को गलत बोलोगे लेकिन बोलोगे तो फिर आपकी फ्लुएंसी बन जाती है उस जबान में, और फिर आप फ्लुएंटली उस जबान को सीखना, फ्लुएंटली उस जबान को जो स्पीकिंग है जो बोलना है जो स्पीकिंग मॉड्यूल है उसको आप करना शुरू कर देते हो। तो अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव करें और सबसे ज़्यादा अपनी रीडिंग, इन दो मॉड्यूल्स के ऊपर आप ज़्यादातर काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुनिया के अंदर भी एक ऐसा पॉइंट आता है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो आपने स्टडी किया होगा ना केमिस्ट्री में, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आपने फिजिक्स में आपने स्टडी किया होगा, जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि 2 किलो इधर भी रखो 2 किलो इधर रखो, ये दोनों बराबर हो जाते हैं, तो इन दोनों के दरमियान में जो पॉइंट है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो दुनिया के अंदर जो लॉन्गिट्यूड है और जो लैटिट्यूड है, मतलब एक लकीर ऐसी है लॉन्गिट्यूड और एक लकीर ऐसी है दुनिया के दरमियान जिसको लैटिट्यूड कहा जाता है, इन दोनों लकीरों के दरमियान जो पॉइंट बनता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, वो ऐसा पॉइंट है कि जहां पर कुछ लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि टाइम भी रुक जाता है वहां पर ग्रेविटी भी पूरी नहीं होती है, और वो जगह वो पॉइंट जो है एक ओशन है, मेरे ख्याल में पैसिफिक ओशन है उस दरमियान में, वहां पर वो पॉइंट बनता है जहां पर कोई एक्सेस नहीं कर पाता उस जगह को। तो हर एक चीज का अपना एक पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। अब आपने क्या करना है, जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको जिंदगी की एग्जांपल भी दे सकता हूँ, जो पॉइंट ऑफ जो पेंडुलम होता है, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप 2 किलो रखते हो तो यहाँ भी 2 किलो रखते हो, वो बराबर हो जाता है। हमारे नौजवान क्या करते हैं, वो एक मकसद तो होता है उनका मकसद 10 किलो का होता है, लेकिन वो क्या करते हैं मेहनत वो 1 किलो की कर पाते हैं, तो क्या हो जाता है वो 10 किलो वाला ऊपर, सॉरी 10 किलो नीचे हो जाता है, और जो 1 किलो होते हैं वो स्टिल ऊपर होता है, तो वो इतनी मेहनत नहीं करते कि जितना बड़ा उनका मकसद होता है। तो जो मकसद है आपका, यहाँ पर आप अंग्रेजी सीखने आए हो राइट, तो अंग्रेजी फॉर एग्जांपल एक 5 किलो है, तो जो दूसरा सेट है यहाँ पर 0 किलो, तो अपने इंटरेस्ट पैदा करना शुरू करो, अपने आप के ऊपर काम करना शुरू करो, और अपनी जो स्टडीज़ है उसको इम्प्रूव करना शुरू करो, जिस तरीके से आप सीखते हो जो माहौल है आपका उसको इम्प्रूव करना शुरू करते हो, मेहनत करते हो, तो ये पॉइंट धीरे धीरे ऐसे जाएगा, एक वक्त आएगा ऐसे भी हो जाएगा, मतलब अंग्रेजी आपको इस तरह आती होगी जिस तरह आप लोग कहेंगे कि ये नेटिव जो है इंग्लिश स्पीकर है, मतलब आप अंग्रेजी ऐसी बोलोगे ऐसी लिखोगे कि लोग समझेंगे कि सच में अमेरिका में या लंदन में छोटा बड़ा हुआ है, वहाँ पर इसने सीखा है और अब हम यहाँ पे पढ़ा, हमें यहाँ पे जो है बता रहा है, तो ऐसा पॉइंट भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। तो इसी तरह जो मकसद होता है आपका वो भी भारी होता है, और आपका जो मेहनत होती है तो उस मेहनत को डबल करो, उसको फिर ट्रिपल करो। एक ये बंदा जो है फॉर एग्जांपल आप भी अंग्रेजी सीख रहे हो, ये भी अंग्रेजी सीख रही है, 1.5 घंटे की क्लास लेता है और ये 1.5 घंटे की क्लास के बाद डायरेक्ट घर जाके जो है सो जाता है, तुम 1.5 घंटे की क्लास लेते हो तो तुम 1.5 घंटे की क्लास के बाद घर जाके 1.5 घंटा और उस पर पढ़ा करो, तो क्या होगा वो ऐसे ऐसे करके सीखेगा, तुम डायरेक्टली ऐसे सीख जाओगे, तो तुम्हारा जो वजन होगा जो मेहनत का वो ज़्यादा हो जाएगा उसके मुताबिक, फिर उसके पास जो इलम होगा उससे डबल तुम्हारे पास होगा, क्यों, क्योंकि उसने सिर्फ सीखा था लेकिन तुमने सीखे उसको ऑब्जर्व करके उसको इम्प्लीमेंट किया अपने आप के अंदर, उस पर प्रैक्टिस करना शुरू की, उसको और लोगों को भी सिखाया, तो उसके मुताबिक आपका जो इलम है आपके जो सीखने का तरीका है और आपके पास जो जिस तरीके से आपने सीखा वो आपका जो है भारी पड़ जाता है, और फिर इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव आप बनते हो, फिर लोग आपको ज़्यादा तरजीह देते हैं कि ये बंदा है इससे अंग्रेजी जाके सीखो, होता है ना
स्कूल्स में या कॉलेजेस में होता है ना, यहाँ प्लाने प्रोफेसर है, आगे प्रोफेसर ललाट सो उस प्रोफेसर से सीखो, ये इंस्टीट्यूशन है वो इंस्टीट्यूशन जाके सीखो। आपको भी इस इंस्टीट्यूशन का नाम भी आपने कहीं से सुना होगा, कहीं बोर्ड पर देखा होगा, किसी से सुना होगा कि ये इदारा है, ये बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पर जाके अंग्रेजी सीखो। तो उस बंदे को देख कर, उसकी अंग्रेजी को देख कर आप यहाँ पर आ गए, ना के काबिलियत देखकर, उसके पीछे उसकी मेहनत देखकर आप यहाँ पे नहीं आए हो। आप भी कह रहे हो बस उसने एक महीने के अंदर अंग्रेजी सीख ली, या फॉर एग्जांपल दो महीनों के अंदर उसने जो है अपनी अंग्रेजी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लिया, तो आप भी कहते हो मैं भी जाऊँगा, मेरी खुद ब खुद दो महीने में इंप्रूव हो जाएगी। खुद ब खुद नहीं होगी, उसको आपने खुद ब खुद इंप्रूव नहीं कर सकते, बल्कि जब आप उसके ऊपर काम करते हो तब इंप्रूव होती है। ठीक है सर।